बारामूला जिले के उरी शहर में एक नार्को मॉड्यूल को नष्ट कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और 50 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक विशिष्ट जानकारी के आधार पर उरी पुलिस द्वारा बुधवार 8 मई 2024 को शुरू की गई जांच में महमूद अहमद नजर और सज्जाद अहमद मलिक को मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान बंदियों ने क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े नार्को आतंकवादी नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिसमें प्रतिबंधित पदार्थों को छुपाने के बारे में विवरण भी शामिल था। इसके अलावा बंदियों द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एक मजिस्ट्रेट के साथ और सेना सहयोग से एक पुलिस टीम ने चुरंदा में तलाशी अभियान चलाया और प्रतिबंधित पदार्थ और नकदी बरामद की। दो शख्स जिनका नाम है सज्जाद अहमद और महमूद, जो कि चुरुंडा और धनी सैदा उड़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने कोई कॉन्ट्राबैंड कंसाइनमेंट जो है रिसीव किया है और उन्होंने चुरुंडा इलाके में छुपा के रखा है। इस इतला के मौसूल होते ही जो है केस रजिस्टर किया गया NDPS एक्ट के तहत और मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी ने जो है आर्मी के ट्रुप्स की मदद से चुरुंडा इलाके में सर्चेस कंडक्ट की। इस सर्च के दौरान जो है इन अक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पे हमने कॉन्ट्राबैंड और कैश रिकवर किया और इन्हीं के कहने पर जो है एक और इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम फयाज अहमद है। फयाज के डिस्क्लोजर पे भी जो है कुछ कॉन्ट्राबैंड और उसके घर के सर्चेस के दौरान कुछ कैश भी जो है हमने रिकवर किया।